कितना ज्यादा भीड़ यहाँ पे। और जय हाय गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में। मैं विजय कुमारी आप सभी को स्वागत करता हूँ। कल रात को हम लोग बद्रीनाथ पहुँच चुके थे और अभी हम लोग रुके हुए थे एक आश्रम में, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम लोग किचन में गए थे, किचन में यहाँ पे हमने चाय टोस्ट खाया है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन करने। और ये ऑफिस है, यहाँ का रिसेप्शन है, सतगुरु आश्रम ये बद्रीनाथ धाम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहीं पे रुके हुए थे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आज आपको बद्री धाम घुमाने वाले हैं और उनके दर्शन करवाने वाले हैं। तो साहब क्या खूबसूरत से नज़ारे यहाँ पे, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का लोकेशन। ये देखिए इस साइड देख सकते हैं कितना खूबसूरत पहाड़ी लोकेशन है और बहुत प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं कितना प्यारा है। और ये पूरा मार्केट होटल होटल है यहाँ पे। लाइन चुका मॉर्निंग का नज़ारा है, सुबह के 8 बज चुके हैं। कितने सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं बद्रीनाथ घूमने। और यहाँ का भाई टेम्परेचर मैं आपको क्या बताऊँ, हालत टाइट हो जा रही है हमारी। तो साइड है ब्रह्म कमल, जो कि कमल की तरह फूलता है और सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहुत प्यारा कलर यहाँ पे दिखता है। पर अभी फिलहाल फॉग के कारण नहीं दिख पाएगा, पर लोकेशन देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन है। और आज मैं ठंड के लिए बचने के लिए क्या पहना आपको दिखाऊँ, मैंने अपना पूरा राइडिंग गियर पहना हुआ है। इससे भाई बहुत हद तक ठंड कम लगती है, क्योंकि पूरा मोटा मोटा रहता है तो बहुत हद तक ठंड कम लगती है। और सामने देखिए क्या बेहतरीन से नज़ारे, खूबसूरत सा व्यू है। और अभी हम लोग पूरा मार्केट घुमा रहे हैं आपको। यहाँ का लोकेशन पूरा जो सिटी उटी टाइप का दिखता है वो पूरा घुमा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गर्म कपड़े आपको मिल जाएंगे आराम से। इधर से देख सकते हैं इधर कार्य चल रहा है, तो पूरा इधर उखाड़ उखाड़ दिया गया है और ऐसे श्रद्धालु लोग इस साइड से आना जाना कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं भाई यहाँ पे। शायद यहाँ पे पुल बनाया जा रहा है, आने वाले वक्त में पानी वानी ज़्यादा बारिश होती होगी तो उसकी वजह से पूरा पानी भर जाता होगा, तो पुल उल बनाया जा रहा है। तो ओके राइट, ये देख सकते हैं। ओ भाई ये लोग कैसे रहते होंगे भाई इतने ठंडे पानी में। चलिए यहाँ से चलते हैं, हम इस साइड से आराम से भाई चलते हैं। ओ भाई ये देख सकते हैं इस साइड काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं एक से खूबसूरत से पहाड़ है। जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती होगी बहुत प्यारा लगता होगा। ऐसे इसको नहीं बोला जाता उत्तराखंड को देवभूमि, देव की भूमि है इसीलिए इसको बोला जाता है देवभूमि बद्रीनाथ। भाई साहब क्या बात है। यात्री दर्शन टोकन काउंटर, अपने रजिस्ट्रेशन के उपरांत कृपया रजिस्टर ईडी दिखाकर टोकन या से प्राप्त करें। दे सकते हैं बिना टोकन के आपको मंदिर में दर्शन नहीं हो पाएंगे और आपको केदारनाथ धाम का इंतजार करना पड़ेगा। पूरा सब चीजें डिटेल दी गई है, टोकन में 1 घंटे का टाइम। तो गाइस हमको फाइनली टोकन मिल चुका है, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और इस टोकन की जो वैलिडिटी है 1 घंटे की वैलिडिटी है। आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट बिलो कमेंट करके जरूर बताइएगा, से जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में बहुत। आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देख सकते हैं कितनी सारी क्राउड है यहाँ पे। ओ भाई तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए, ये 100 रुपये का हमको पड़ा है। तो चलिए चलते हैं। और राहुल लोग आगे निकल चुके हैं तो जल्दी चलते हैं आगे को, नहीं तो लंबी लाइन में हमको लगना पड़ जाएगा। साथ साथ हमारा दर्शन भी हो जाएगा उन्हीं लोग के साथ। नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा। और जैसे जैसे फॉग हटा जा रहा है वैसे वैसे भाई पहाड़ क्या खूबसूरत दिखना चालू हो रहा है। देखिए जो चलने में सक्षम नहीं है, देख सकते हैं सब लाइन पे बैठे हुए और यहाँ पे सब लोग प्रसाद उसाद वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है कुंड में और सब लोग गमछा वमछा पहन के स्नान करने जा रहे। ये बता रहे थे ये अलकनंदा नदी है, देख सकती बहती हुई। और गाइस देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है 2 किलोमीटर तक, तो जाते हैं आगे लंबी लाइन में और देखते हैं कितना टाइम लगता है पता नहीं दर्शन करने के लिए। टोकन का 1 घंटे का टाइमिंग है।
जय गाइस, फाइनली हम लोग लाइन में लग चुके हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारे साधारण लोग खड़े हुए हैं, इस तरह सब लोग गर्म हो रहे हैं। ये देख सकते हैं तो चलते हैं आराम से धीरे धीरे, और बारिश भी से चालू हो रही है तो हम मंदिर के पट के पास आ चुके हैं। ये देख सकते हैं ये है मंदिर यहाँ पे बद्री विशाल जी का, जो कि हमारा दूसरा धाम हो रहा है। उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे, हमारा हो जाएगा चौथा धाम। और यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भाई लोग सब खड़े हैं मस्त। यहाँ तो थोड़ा आराम है, केदारनाथ में तो हालत टाइट है। यहाँ का मेन एंट्री गेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु लोग हैं बद्री विशाल में। ये देख सकते हैं ये है पट। हाँ, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और आराम से हम लोग चलते जा रहे हैं। गाइस फाइनली हमारे बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन के लिए खूबसूरत तरीके से अच्छे से उनके दर्शन कर लिए। देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर है उसके भी दर्शन कर देते हैं। हमारे मुँह से देख सकते कितना ज़्यादा भाप निकल रहा है। बद्रीनाथ के बजरंगबली जी के दर्शन के लिए यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन वर्शन कर रहे। जय बद्रीनाथ भगवान की, मैं भी कर लेता हूँ। और इस साइड है लक्ष्मी जी का मंदिर, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं इस साइड पूरा लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है और लक्ष्मी जी ये हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा बद्री विशाल जी का मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और यहाँ पे फिर से पानी वानी गिरने लगा है। यह जगन्नाथ गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर, और इधर भी देख सकते कितने सारे श्रद्धालु लोग खड़े हैं। इधर पीछे का प्रांगण है बद्रीनाथ भगवान जी का, और यहाँ पे है बजरंगबली जी। तो हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे बजरंगबली जी के दर्शन की, जय बजरंगबली जी। है नारायण मंदिर, तो नारायण भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए। ये देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे, ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे दर्शन करिए। बहुत आराम से दर्शन होगा। आप चारों तरफ यहाँ पे मौसम देखिए और भीड़ जो है कितनी सारी क्राउड आई, कितने सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, पीसफुल में है। बद्री भगवान जी का दरबार ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बद्री भगवान जी का दरबार है। और आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देख सकते हैं और कितने सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन वर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं ये देखिए तप्त कुंड, देख सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे भाप निकल रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा भाप निकल रहा है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग वहाँ पे स्नान ध्यान कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको गौरी कुंड में दिखाया था। सेम चीज़ यहाँ पे तप्त कुंड भी है और ऊपर था बद्री भगवान जी का दरबार। हम आए थे उस वाले पुल से, अब वापस हो रहे हैं इस वाले पुल से। मतलब बद्रीनाथ का मार्केट, बद्रीनाथ जी के दर्शन कर दिए, मंदिर दिखा दिया और पूरा और तप्त कुंड लिखा है। तो आपको यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।